नमस्कार बच्चों, मैं वंदना वर्मा, प्रवक्ता नारी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज, आज कक्षा 12 विषय गणित के भाग के पाठ 4 सारणिक का भाग 3 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बच्चों, इसके पहले आप भाग 1 व भाग 2 के व्याख्यान देख चुके हैं, जिसमें आपने भिन्न कोटि के सारणिकों का प्रसार को समझा था तथा उसका अनुप्रयोग निर्देशांक ज्यामिति में किया था, जिसके अंतर्गत हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात किया था, तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध ज्ञात किया था तथा साथ ही दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का सूत्र भी ज्ञात किया था। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपने उन दोनों भाग के व्याख्यानों को अच्छे से समझा होगा और उनसे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास भी किया होगा। तो चलिए इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं सारणिक के भाग 3 की ओर और देखते हैं आज के हमारे शिक्षण बिंदु क्या हैं। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम करेंगे पुनरावलोकन, अर्थात जो हम पढ़ चुके हैं हम उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। इसके बाद हम सारणिकों के गुणधर्म को समझेंगे। बच्चों, सारणिकों के गुणधर्म से संबंधित प्रश्न बोर्ड परीक्षा में प्रतिवर्ष अवश्य ही पूछा जाता है, इसलिए आप सारणिकों के गुणधर्म को अच्छे से समझिए और उनसे संबंधित प्रश्नों को अभ्यास कीजिए। इसके बाद हम सारणिकों के गुणधर्म पर आधारित कुछ प्रश्नों को करेंगे, जिससे कि हम सारणिकों के गुणधर्म को और अच्छे से समझ पाएंगे तथा अंत में ग्रह कार्य। तो अब देखते हैं हम पुनरावलोकन। बच्चों, आव्यूह पाठ में आपने आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाओं को सीखा था। वहां पर जिस प्रकार से आपने आव्यूह की प्रारंभिक संक्रियाओं को सीखा था, उसी प्रकार अब हम यहाँ पे भाग 3 में सारणिक के गुणधर्मों को सीखेंगे। पर बच्चों, ये आपको देखने में तो कुछ समान लगेंगी, परंतु वास्तव में ये एक दूसरे से भिन्न होती है। इसलिए मैं ये कहूंगी कि आप पहले आव्यूह पाठ में जो आव्यूह की संक्रियाएं हैं उनको बहुत अच्छे से समझिए, उसके बाद ही आप सारणिक के गुणधर्मों को समझने का प्रयास करिए, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हम देखते हैं, आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हमने निम्न प्रारंभिक संक्रियाओं का अनुप्रयोग किया था। बच्चों, आव्यूह पर 6 प्रकार से हम प्रारंभिक संक्रियाएं लगा सकते हैं। 3 प्रारंभिक संक्रियाएं हम उसकी पंक्तियों पे लगा सकते हैं तथा 3 प्रारंभिक संक्रियाओं को उनके स्तंभों पे लगाया जा सकता है। तो देखते हैं वे क्या हैं। प्रथम प्रारंभिक संक्रिया इस प्रकार से प्रतीकात्मक रूप में लिखी जाती है, जिसके अनुसार हम किसी भी आव्यूह की 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय कर सकते हैं या आपस में उनको परिवर्तित कर सकते हैं। और प्रतीकात्मक रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, अर्थात आईवी पंक्ति व जेवे पंक्ति का परस्पर विनिमय, यहाँ पे आईवे स्तंभ और जेवे स्तंभ को का परस्पर विनिमय कर दिया। यह है द्वितीय प्रारंभिक संक्रिया। इसके अनुसार हम आव्यूह की किसी भी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को एक शून्येतर संख्या के, बच्चों यहाँ पे के एक शून्येतर संख्या है, शून्येतर संख्या के से गुणा कर सकते हैं। तो इसको प्रतीकात्मक रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, अर्थात आईवी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को शून्येतर संख्या के से गुणा कर दिया तथा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को हमने एक शून्येतर संख्या के से गुणा कर दिया। तीसरी प्रारंभिक संक्रिया में हम देखेंगे कि किसी भी आव्यूह की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी शून्येतर संख्या के से गुणा करने पर, बच्चों यहाँ भी के एक शून्येतर संख्या होगी, के से गुणा करके हम उसको किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव में योग कर सकते हैं, जिसे कि इस प्रकार से लिखा है, जैसे कि हमने जेवी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को के से गुणा कर आईवी पंक्ति के संगत अवयवों में योग कर दिया तथा यहाँ पे जेवे स्तंभ के प्रत्येक अवयव को शून्येतर संख्या के से गुणा कर उसको आईवे स्तंभ के प्रत्येक अवयव से हमने योग कर दिया। तो ये थी बच्चों आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं। अब हम देखते हैं सारणिकों के गुणधर्म। सारणिकों के गुणधर्म में सर्वप्रथम पहला गुणधर्म है, किसी सारणिक का मान
इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर, बच्चों यहाँ पे यह मिस हो गया है, करने पर अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पे इसका हिसाब से हम क्या करेंगे, हम जितनी भी पंक्तियां हैं उनको स्तंभ में परिवर्तित कर देंगे, अर्थात प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ हो जाएगी, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ तथा तृतीय पंक्ति तृतीय स्तंभ बन जाएगी। तो यहाँ पे एक उदाहरण के लिए हमने एक सारणिक लिया है और इसका हम प्रसरण करते हैं। बच्चों आपको बता चुके हैं कि किसी भी सारणिक का प्रसरण हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हैं, और आपको यह भी बताया था कि वह पंक्ति या वह स्तंभ आप लीजिए जिसमें कि अधिकतम शून्य हो, जैसे कि यहाँ तृतीय स्तंभ में है, इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है और टाइम भी बचता है। परंतु चूंकि मैं यहाँ पे आपको यह गुणधर्म सत्यापित करके बता रही हूँ, तो मैं आपको प्रथम पंक्ति के सापेक्ष ही करूंगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम इसका प्रसरण करते हैं। यहाँ पे मैं आर वन के सापेक्ष प्रसरण करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका वन, और वन का उपसारणिक होगा जीरो माइनस जीरो, उसके बाद माइनस टू, टू का उपसारणिक हमारा हो जाएगा जीरो माइनस जीरो, तथा प्लस फोर, इसका उपसारणिक हमारा होगा माइनस वन माइनस ट्वेल्व। तो जीरो माइनस जीरो बच्चों जीरो, जीरो इंटू वन जीरो करेंगे, फिर यहाँ जीरो माइनस टू इसको आप गुणा करेंगे तो ये आपका जीरो आएगा, प्लस फोर इंटू माइनस थर्टीन, तो ये हमारा आया इस सारणी का मान माइनस फिफ्टी टू। अब हम इस गुणधर्म को लगाते हैं और सभी पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर देते हैं, और इस सारणी को हम मानते हैं डेल्टा वन। तो अर्थात यहाँ पे जो प्रथम पंक्ति है यह प्रथम स्तंभ बन जाएगी, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ तथा तृतीय पंक्ति तृतीय स्तंभ बन जाएगी। अब हम इसका मान निकालते हैं और देखते हैं कि क्या ये दोनों सारणिक के मान बराबर आते हैं। तो हम फिर से मैं इसको आपको R1 के सापेक्ष करके दिखाती हूँ प्रसरण करने पर। तो यहाँ पे वन हमने लिया और इसका उपसारणिक आप लिखेंगे थ्री इंटू जीरो माइनस जीरो, माइनस माइनस वन, ये माइनस वन का उपसारणिक होगा टू इंटू जीरो जीरो, माइनस फोर, प्लस फोर, और फोर का उपसारणिक होगा टू इंटू जीरो जीरो माइनस ट्वेल्व। तो ये हो जाएगा वन, जीरो माइनस जीरो होता है वन, तो वन इंटू जीरो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वन इंटू माइनस फोर, प्लस फोर इंटू माइनस ट्वेल्व, और वन इंटू जीरो बच्चों जीरो होता है, वन को आप माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस फोर, और फोर इंटू माइनस ट्वेल्व करेंगे तो माइनस फोर्टी एट मिलेगा। तो ये आ गया हमारा माइनस फिफ्टी टू। तो हम देख रहे हैं बच्चों, जब पहले हमने सारणिक का मान निकाला तब वह माइनस फिफ्टी टू आया, और जब हमने पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया तब भी यह मान आ गया माइनस फिफ्टी टू। अतः यहाँ पे हमारा आ गया डेल्टा बराबर डेल्टा वन। तो इस प्रकार से हमने गुणधर्म प्रथम गुणधर्म को सत्यापित कर दिया। बच्चों इस गुणधर्म से हम एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी आव्यूह के सारणिक का मान उसके उस आव्यूह के परिवर्त सारणिक के मान के बराबर होता है। जैसा कि आप यहाँ पे दिख रहा है, जब हम पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर देते हैं तो वह उस आव्यूह का क्या हो जाता है, परिवर्त हो जाता है। और यहाँ पे हमने आपने देखा कि दोनों ही स्थिति में जो सारणिक के मान निकल रहे हैं वे समान है। तो यहाँ से हमें यह भी निष्कर्ष एक प्राप्त होता है। अब हम आते हैं गुणधर्म द्वितीय गुणधर्म पे। यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है परंतु चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। इसको हम प्रतीकात्मक रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, अर्थात आईवी और जेवी पंक्ति को परस्पर बदलना या आईवी स्तंभ और जेवी स्तंभ को परस्पर विनिमय कर देना। तो आप देखते हैं इसको, यहाँ पे उदाहरण के लिए हमने एक सारणिक लिया है टू, ये माइनस वन माइनस टू, इस प्रकार से ये सारणिक लिया है। तो पहले हम इसका प्रसरण करके देखते हैं बच्चों, फिर से हम इसको आर वन के सापेक्ष आपको दिखाती हूँ। R1 के सापेक्ष इसका प्रसरण करेंगे तो ये होगा 2, और 2 का जो उपसारणिक होगा वह 0 माइनस 5,
उसके बाद माइनस माइनस वन, और माइनस वन का उपसारणिक होगा जीरो, माइनस माइनस थ्री, उसके बाद माइनस टू, और माइनस टू का उपसारणिक होगा जीरो माइनस सिक्स। तो बच्चों इसको देखते हैं क्या आएगा, ये टू इंटू माइनस फाइव, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा वन इंटू थ्री, और माइनस टू इंटू माइनस सिक्स, ये हो जाएगा हमारा माइनस टेन, प्लस थ्री माइनस ट्वेल्व। तो बच्चों आप इसको जब हल करेंगे तो ये आपको मिलेगा, ये बच्चों माइनस टू इंटू माइनस सिक्स, यहाँ पे प्लस ट्वेल्व आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस सेवन प्लस ट्वेल्व, अर्थात ये आ जाएगा हमारा फाइव। अब हम इसमें गुणधर्म दो लगाते हैं। गुणधर्म दो लगाने पे हम क्या करते हैं, इसमें आर वन और आर थ्री को परस्पर परिवर्तित कर देते हैं, तो हम इसको मानते हैं सारणिक डेल्टा वन, डेल्टा वन के उससे प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पे हम आर वन की जगह पे तृतीय पंक्ति लिखेंगे, यानी थ्री माइनस फाइव जीरो, द्वितीय पंक्ति वैसे ही रहेगी, और यहाँ पे टू माइनस वन माइनस टू। अब हम फिर इसको आर वन के सापेक्ष प्रसरण करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा थ्री, थ्री का उपसारणिक अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा बच्चों, माइनस फोर माइनस यहाँ पे वन, माइनस माइनस फाइव, और यहाँ पे आप करेंगे तो जीरो इंटू माइनस टू जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस टू, फिर प्लस जीरो। अब जीरो बच्चों यहाँ पे ये जो जीरो आया है इसके साथ आप चाहे तो लिख दें और ना भी लिखें तो चलेगा, क्योंकि आप जीरो से इसके उपसारणिक को यदि गुणा करेंगे तो वह जीरो ही आएगा, तो जीरो माइनस फोर, तो ये हो जाएगा हमारा थ्री, माइनस फोर माइनस वन आएगा माइनस फाइव, और यहाँ पे माइनस माइनस ये फाइव हो जाएगा, फाइव इंटू टू यानी माइनस फिफ्टीन प्लस टेन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस फाइव। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा मान तो दोनों स्थिति में क्या आया, फाइव आया, परंतु चिन्ह बदल गया, यहाँ पे ये प्लस का फाइव था जबकि यहाँ पे माइनस का फाइव हो गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा जब हम पंक्तियों स्तंभों का परस्पर विनिमय करते हैं तो मान वही रहता है परंतु चिन्ह बदल जाता है। अब बच्चों यदि आप अब आप घर पे इसका अभ्यास करिएगा कि आप सी वन पंक्ति और सी थ्री पंक्ति को आपस में विनिमय करके देखिएगा तो आप क्या पाएंगे, जो उसका मान निकलेगा वो तो फाइव ही होगा, परंतु अब चिन्ह आपका क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का फाइव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं गुणधर्म तीन पे। गुणधर्म तीन के अनुसार यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां अथवा स्तंभ समान है तो सारणी का मान शून्य होता है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण लेती हूँ। मान लीजिए एक हमने लिया वन माइनस टू थ्री सिक्स फाइव फोर और वन माइनस टू थ्री। ठीक है, तो इसका मान बच्चों क्या होगा, शून्य। ये आप इसका प्रसार स्वयं करके देखिएगा, इसका इस सारणी का मान शून्य आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर वन बराबर आर टू है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं। अगर मान लीजिए हमने एक स्तंभ लिखा टू माइनस फोर सिक्स, और यहाँ भी लिख दिया टू माइनस फोर सिक्स, और यहाँ सिक्स फाइव इलेवन। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा सी वन स्तंभ सी टू स्तंभ के बराबर है बच्चों, यहाँ पे ये आर वन आर थ्री के बराबर है, आर वन आर थ्री के बराबर है, यहाँ पे सी वन सी टू के बराबर है, तो इसका भी मान कितना होगा, ये हमारा शून्य होगा। तो अगर आपके सवाल में ऐसी कोई सारणिक आती है कि उसके दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान है तो आप उसको बिना हल करे इस गुणधर्म के अनुसार आप उसका मान शून्य लिख सकते हैं। इसी में एक और निष्कर्ष हम निकालते हैं कि यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। मान लीजिए मैंने एक प्रथम पंक्ति ली जो शून्य है, पूरे उसके प्रत्येक अवयव शून्य है, या माइनस वन टू थ्री और फोर माइनस फाइव सिक्स, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रथम पंक्ति शून्य है, इसका भी मान क्या होगा बच्चों, शून्य होगा। ये भी आप बिना प्रसरण करे लिख सकते हैं, और ये वैसे भी आप जानते हैं कि अगर हम जीरो के प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसरण करेंगे तो जो अवयव है उसको जब हम सारणिक से गुणा करेंगे तो आपको मान क्या मिलेगा बच्चों, शून्य मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इसको बिना प्रसरण करे आप इन गुणधर्मों का प्रयोग कर इस प्रकार से मान लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं गुणधर्म चार पे। यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के
प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुणा करते हैं तो सारणिक का मान भी के से गुणित हो जाता है। अब हम इसके लिए एक सारणिक लेते हैं डेल्टा, जिसमें कि हमने लिया ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री। अगर बच्चों हम इसका मान ज्ञात करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, के ए वन इसका हम प्रसरण करेंगे, हम इसका प्रसरण कर रहे हैं किसके सापेक्ष, सी वन के सापेक्ष इसका प्रसरण कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा ए वन बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू माइनस ए टू। ठीक है, तो अब ए टू का जो सारणिक होगा वो होगा बी वन सी थ्री माइनस बी थ्री सी वन प्लस ए थ्री, ए थ्री का सारणिक होगा बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन। अब बच्चों हम जो एक सारणिक लेते हैं, हम एक डेल्टा वन सारणिक और लेते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि ये गुणधर्म का उपयोग करते हैं, यानी कि उसकी एक पंक्ति में हम के से गुणा कर देते हैं, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी वन में हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, हमने कर दिया के सी वन, तो ये हो जाएगा के ए वन के ए टू के ए थ्री, इसके बाद बी वन सी वन बी टू सी टू बी थ्री सी थ्री। तो अब इसका हम प्रसरण करेंगे, तो बच्चों देखिए क्या आएगा, हम सी वन के सापेक्ष इसका प्रसरण कर रहे हैं, तो ये आएगा के ए वन बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू माइनस के ए टू बी वन सी थ्री माइनस बी थ्री सी वन प्लस के ए थ्री बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन। तो आप देख रहे हैं यदि हम इसमें से पूरे में से के कॉमन ले लें तो हमें जो बाकी का मान मिल रहा है मिलेगा वो किसके बराबर है बच्चों, वो यही मान आपको मिलेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, के डेल्टा। ठीक है, तो यही हमारी चौथी गुणधर्म है कि यदि हम किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में एक अचर के से गुणा करते हैं तो सारणिक का मान भी के से गुणा हो जाता है। इसी को हम एक और निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि किसी सारणिक में, मान लीजिए एक आपको ये सारणिक दिया है, तो आप इसकी किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ से उभयनिष्ठ गुणनखंड बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ये सारणिक मान लीजिए दिया है तो हम इसका के निकाल के और बाकी का सारणिक डेल्टा इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी से हम लोग एक और टिप्पणी देखते हैं, यदि एक सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों के संगत अवयव समानुपाती हैं तब उस सारणिक का मान शून्य होता है। चलिए इसके लिए भी हम एक डेल्टा टू सारणिक लेते हैं, ये एक हमने सारणिक ली बच्चों। ठीक है, अब देखिए आप देख रहे हैं कि प्रथम पंक्ति में आपको कुछ उभयनिष्ठ मिलेगा, इसमें सब में क्या कॉमन है बच्चों, थ्री कॉमन है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, थ्री इंटू टू थ्री इंटू थ्री थ्री इंटू माइनस फोर, और इसी प्रकार से इसमें भी आप देखेंगे तो क्या मिल रहा है आपको, फोर इंटू टू फोर इंटू थ्री और फोर इंटू माइनस फोर, और नीचे हमारा 6, 11, 15। तो बच्चों अभी हमने जो चौथा गुणधर्म था उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि हम किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो हम इसमें से प्रथम पंक्ति से हम क्या निकालेंगे, 3 निकालेंगे। ठीक है बच्चों, और द्वितीय पंक्ति से हम क्या निकालेंगे, 4 निकालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 2, 3, माइनस 4, यहाँ पे भी 2, 3, माइनस 4, 6, 11, 15। ठीक है बच्चों, तो अब अपने गुणधर्म तीन, अभी हमने गुणधर्म तीन पढ़ी कि किसी भी सारणिक की यदि दो पंक्तियां दो स्तंभ समान होंगे तो उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। तो बच्चों ये भी हमने सत्यापित कर दिया। तो यदि आप देखते हैं कि मतलब ये तो मैंने आपको पूरा करके दिखाया, परंतु आपको कोई भी सारणिक इस प्रकार से मिलता है जिसमें कि कोई दो पंक्तियों या कोई भी दो अवयवों के दो पंक्तियों या दो स्तंभों के जो अवयव हैं
वे समानुपाती हैं तो आप उसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम आते हैं गुणधर्म पांच पे। गुणधर्म पांच, इसके अनुसार यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो, तब सारणी को दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बच्चों हम उदाहरण के लिए सारणिक लेते हैं। इस सारणिक के पहली पंक्ति के अवयव हम यहाँ पे इस प्रकार से ले रहे हैं कि वे दो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हैं, जैसे ए वन प्लस के वन, ए टू प्लस के टू, ए थ्री प्लस के थ्री। और ये द्वितीय पंक्ति है बच्चों, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री। अब बच्चों इसको इस गुणधर्म के अनुसार हम देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं। हम इसको दो सारणिकों के योगफल के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, और यहाँ पे ए थ्री बी थ्री और सी थ्री। और दूसरी जो सारणिक होगी बच्चों, तो यहाँ पे जो प्रथम पंक्ति में जो दूसरा पद है प्रत्येक अवयव में उसकी बनेगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे के वन के टू के थ्री। और जो द्वितीय एवं तृतीय पंक्ति बेट बच्चों हम लोग वैसे ही उतार देंगे जैसी है, सी वन सी टू सी थ्री। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए इसमें हम एक और पद मान लीजिए इसमें जोड़ते हैं, इसमें हम एक और पद मैं जोड़ती हूँ, तो हमारा ये इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। मान लीजिए इसमें मैंने जोड़ दिया लैम्डा वन लैम्डा टू और यहाँ पे जोड़ दिया बच्चों लैम्डा थ्री, तो हम इसको एक और सारणिक के योग के रूप में लिख सकते हैं। तब हम यहाँ पे प्रथम पंक्ति हमारी होगी लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री, और जो द्वितीय और तृतीय पंक्तियां होंगी वह वैसे ही हम उतार देंगे, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री। तो इस प्रकार से यह है गुणधर्म पांच। और अब आगे देखते हैं, अब हम आते हैं गुणधर्म छह पे। यदि एक सारणी के किसी पंक्ति स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणिक का मान वही रहता है। चलिए फिर से हम एक उदाहरण लेते हैं, एक सारणिक लेते हैं जिसमें कि हम इसमें लिखेंगे ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री। और हम इसमें यदि यही गुणधर्म लगाते हैं, क्या अब हम इसमें ये करते हैं कि हम इसमें आर वन में आर वन प्लस के आर टू करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर वन के अवयवों में हमें के यानी कि जो आर टू यानी कि द्वितीय पंक्ति के संगत अवयवों में हम के को जोड़ के और इसमें ए वन के संगत अवयवों में योग आर वन के संगत अवयवों में इनका योग कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए वन प्लस के ए टू, बी वन प्लस के बी टू, और यहाँ पे सी वन प्लस के सी टू, तो ये हो जाएगा ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ये सी टू है। इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो बच्चों तो सारणिक का मान वही रहता है। अब हम इसको सिद्ध करते हैं। अभी हमने गुणधर्म चार देखा कि इसके योग के रूप में लिखा है, तो हम इसको दो सारणिकों के योगफल के रूप में विभक्त कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, प्लस में आप क्या लिखेंगे के ए टू के बी टू के सी टू, और यहाँ पे ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री। अब आप देखेंगे गुणधर्म चार गुणधर्म तीन में हमने पढ़ा है कि यदि
दो पंक्तियां समानुपाती होती हैं तो उनका मान शून्य होता है। तो बच्चों ये वाला जो सारणिक है ये हमारा शून्य हो जाएगा और सिर्फ हमें क्या मिलेगा, यही वाला सारणिक A1, B1, C1, A2, B2, C2 और यहाँ पे A3, B3, C3 हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये हमने इसको सिद्ध कर दिया बच्चों, ठीक है। तो ये थे हमारे 6 गुणधर्म। अब हम इनसे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे है पहला प्रश्न, बिना प्रसरण किए और सारणिकों का गुणधर्म प्रयोग कर हमको यह सिद्ध करना है। बच्चों जब बिना प्रसरण किए होता है तो इसका मतलब होता है आपको प्रसरण नहीं करना है, आपको सिर्फ सारणिकों का गुणधर्म का ही प्रयोग करना है। तो हम इसमें कौन सी प्रमेय, इसमें हम गुणधर्म वह लगाएंगे जो हमने अभी जस्ट लास्ट गुणधर्म 6 पढ़ी है। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें स्तंभ 3 में C3 के अवयव के साथ द्वितीय स्तंभ के अवयवों में -9 का गुणा कर देंगे और उसके C3 के संगत अवयवों में योग कर देंगे। सबसे पहले तो हम इसका LHS ले लेते हैं। LHS हमारा आया 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, 86, ठीक है बच्चों। तो अब हम यही इसमें गुणधर्म लगाते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, पहला स्तंभ ऐसे ही लिख देंगे और तृतीय स्तंभ में हम यह लगाएंगे गुणधर्म। तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 65 - 9 × 7, 75 - 9 × 8, 86 - 9 × 9। इसको हम और हल करेंगे तो हमें मिलेगा 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65 - 63, 75 - 72, 86 - 81। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको और सरल करेंगे तो आएगा 2, 3, 5, 7, 8, 9, ये आ जाएगा 2, 3 और ये 5। अब आप इसमें देख रहे हैं यहाँ पे C1 C3 के बराबर है, यानी कि प्रथम स्तंभ और तृतीय स्तंभ समान है, तो इसका मान क्या होगा, 0, जो कि RHS के बराबर हो गया। यहाँ का हम LHS लेते हैं तो ये हमारा आएगा X, Y, Z, A, B, C, X + A, Y + B और Z + C। तो यहाँ पे बच्चों हम वह गुणधर्म लगाएंगे कि हम किसी भी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के संगत अवयवों के समान गुणजों का योग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम C1 में बच्चों लिखेंगे C1 + C2, तो ये हमारा हो जाएगा X + A, Y + B, Z + C। यहाँ पे आएगा A, B, C, X + A, Y + B, Z + C। और यहाँ पे आप देख रहे हैं C1 जो है C3 के समान है, जो कि हमने गुणधर्म में पढ़ा था, तो ये किसके बराबर होगा, 0, ये हो गया हमारा RHS, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से बिना प्रसरण किए हम सारणिकों का मान ज्ञात करते हैं और ऐसे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब गृह कार्य में है सारणिकों के गुणधर्म प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों का आपको सिद्ध करना है। बच्चों इनमें अब जब सारणिकों के गुणधर्म लिखा है तो आप क्या करेंगे, गुणधर्म लगाकर आप यह प्रयत्न करेंगे, यह प्रयास करेंगे कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अधिकतर अवयव 0 हो जाएं और फिर उनको हल करेंगे। बच्चों आप इनका अभ्यास करिएगा।